पार्लियामेंट बजट सेशन 2023, संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। बॉम्बे हाई कोर्ट, उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, पद से हटाने की मांग। बाजार की आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए FPO वापस लिया गया, गौतम अडानी। 28 महीने और लंबी लड़ाई के बाद यूपी की जेल से छूटे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन। केरला, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मिलेगा घर, सरकार का बड़ा फैसला। तमिलनाडु, हिंदूवादी संगठन हिंदू मक्कल काची के नेता की बेरहमी से हत्या, हथियारों से लैस भीड़ ने किया हमला। यूनियन बजट 2023, 50 नए हवाई अड्डे खुलेंगे, NHAI को मिले 1.62 लाख करोड़। आर्टिस्ट पेंशन स्कीम, पूर्व कलाकारों को अब 6,000 रुपये महीना पेंशन, अंतरिक्ष विभाग के लिए 12,544 करोड़। चेन्नई, तकनीकी खराबी के चलते रद्द हुई चेन्नई से दिल्ली की उड़ान, विमान से उतारे गए 138 यात्री। नालंदा, सैकड़ों लड़कियों के बीच परीक्षा भवन में घिर गया एक लड़का, नर्वस होकर हो गया बेहोश, मनीष को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में BBC को बैन करने की याचिका, CJI ने कहा कल फिर करे जल्द सुनवाई की मांग। असम में 7 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार। मोरबी पुल हादसा, ओरेवा समूह KMD जयसुख पटेल को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। असम, बाल विवाह के खिलाफ असम में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज, CM शर्मा बोले 3 फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई। तमिलनाडु, पूर्व CM पन्नीरसेल्वम ने इरोड उपचुनाव में उतारे उम्मीदवार, अन्नाद्रमुक के नए बैनर पर छिड़ी बहस।